कासगंज जनपद के जिलाधिकारी हर्षिता माथुर की एक बड़ी कार्यवाही देखने को मिली है। कार्यवाही करते हुए जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने घोटाला करने के आरोप में एक पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि पूरा मामला कासगंज जनपद के तहसील पटियाली क्षेत्र की ग्राम पंचायत दरियागंज का है, जहां दरियागंज ग्राम पंचायत के सचिव विनोद भदौरिया पर आरोप है कि ग्राम पंचायत सचिव विनोद भदौरिया ने ग्राम पंचायत में विकास के लिए आई 43 लाख की धनराशि को फर्जी तरीके से निकाल लिया और ग्राम पंचायत में कार्य नहीं कराया। जब इसकी जानकारी जिलाधिकारी हर्षिता माथुर को मिली तो जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने मामले की जिला पंचायत राज अधिकारी से रिपोर्ट मांगी तो जिला पंचायत राज अधिकारी की रिपोर्ट में पंचायत सचिव विनोद भदौरिया दोषी पाए गए, जिसके बाद जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने कार्यवाही करते हुए पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया और उसके खिलाफ अधिक कार्यवाही के लिए विभागीय जांच के आदेश भी दिए हैं। वहीं पंचायत सचिव के खिलाफ की गई जिलाधिकारी की इस कार्यवाही से कासगंज जनपद के अन्य पंचायतों के सचिवों में भी हड़कंप मच गया। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए कासगंज से विवेक रॉय की रिपोर्ट। डीएम साहब, आज थाना दरियागंज के सचिव के खिलाफ कार्रवाई की गई है, क्या मामला है ये? देखिए, थाना दरियागंज पंचायत में ये संज्ञान में आया था मामला कि बिना किसी कारण के वहाँ पर 43 लाख के आसपास का पेमेंट किया गया है। इसमें जो संबंधित सचिव थे उनके विरुद्ध निलंबन करके विभागीय कार्रवाई और विधिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और संपूर्ण मामले की जाँच की जाएगी। उसमें यदि कोई अन्य भी संलिप्त पाया जाता है तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।